Manga. What is manga? मांगा एक्चुअली में होता है एक्चुअली में कुछ नहीं है, एक कॉमिक है जो क्रिएट किया जाता है जापान में। मांगा का जो शुरुआत हुआ वो हुआ लेट 19th सेंचुरी में और वो हुआ जापान में। तो जो आप एनिमीज देखते हो तो कुछ कुछ एनिमीज डायरेक्ट स्टोरीज एकदम डायरेक्ट बना के उसको एनिमेट किया जाता है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस मेजॉरिटी जो है उसमें क्या होता है, उस एनिमे को पहले मतलब एनिमे को एक मांगा से अडेप्ट किया जाता है। जैसे मेरे पास है ये वन पीस। वन पीस का एनिमे तो सभी जानते हो आप लोग, लेकिन वन पीस कहाँ से शुरू हुआ, इसका ओरिजिन क्या है, वो ये है वन पीस का मांगा। ये 1950 से जो मांगा है वो जब 1950 से पब्लिश होते आ रहा है जापान में और धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैल गया। इसके पॉपुलैरिटी हर जगह बनती गई और तब से आज तक ये जापान का एक मेजर पब्लिकेशन इंडस्ट्री का पार्ट बन चुका है मांगा। मतलब एक फैक्ट मैंने सुना था, जापान में जितना वहाँ के लोग जितना टॉयलेट पेपर यूज करते हैं उससे ज्यादा पेपर मांगा बनाने में जाता है। अमेजिंग। तो अगर आपको कोई ऐसा मतलब मिले कि बोले कि मैंने तो सब एनिमे देख लिए हैं, तो उसकी बात कभी मत मानना, क्योंकि कोई आज तक ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि इस दुनिया के सारे एनिमे को देख के खत्म कर सके। मतलब लाखों करोड़ों में है, इम्पॉसिबल है। सो बैक टू द पॉइंट, मांगास तो मांगास का जो पॉपुलैरिटी बढ़ा जब तो फर्स्ट गया यूरोप और मिडल ईस्ट यूरोप के तरफ। वहाँ पे फर्स्ट मतलब जापान से जब मतलब बाहर ये मांगा चीज निकला तो वो पहले गया था यूरोप मिडिल ईस्ट में। तो वहाँ पे अभी देखा जा रहा है कि वहाँ का जो मांगास का मार्केट है उसका वर्थ है $250 मिलियन और जापान में खुद उसका वैल्यू है अराउंड 406 येन, विच इज एक्चुअली मैं गलत बोल रहा हूँ, 406 येन में शायद मैंने कुछ गलत लिखा है। इट्स इक्वल टू $3.6 बिलियन। और फिर आया वो यूएस कनाडा में मांगा, तो वहाँ पे पॉपुलैरिटी बढ़ा। तो आज के स्टडीज के हिसाब से वहाँ पे मांगा का जो मार्केट है that worth $175 मिलियन, बट हम लोग के इंडिया में तो ऐसा है ही नहीं। मुश्किल से मतलब मांगास मिलते भी है, तो इसके प्राइस अगर तो देखोगे तो मतलब हिल जाओगे, बहुत ही कॉस्टली आते हैं इंडिया में, बहुत ही कॉस्टली। मतलब नॉर्मल पीपल्स, नॉर्मल इंसानों के लिए, मैं भी, मेरे पास भी ज़्यादा मांगास है नहीं, लेना मुश्किल हो जाता है। फिर आते जापान में मांगास मतलब सिर्फ मतलब ऐसे बुक्स में सीमित नहीं है। वहाँ पे डेली मतलब वीकली मतलब मैगजीन्स निकलते हैं, वीकली मैगजीन्स विच इज डेडिकेटेड टू मांगास। 20 या 40 अलग अलग स्टोरीज रहती है जो कि हर जैसे न्यूज़पेपर में कैसे आते हैं हम लोग के, मतलब वो कॉमिक वाले सेक्शन कि हर रोज आते हैं तो उसमें एक पार्ट दिया रहता है, दूसरा नेक्स्ट डे आता है, तो वैसे ही वहाँ पर वीकली आता है। शायद एक 2-3 पन्ना एक वीक में, फिर बाकी नेक्स्ट वीक में, ऐसा। तो वो जो मैगज़ीन आता है उससे मेनली जो पब्लिश करते हैं उस कंपनी का नाम है शोनेन जंप। ये रहा शोनेन जंप मांगा, ये जापान का सबसे बड़ा ब्रांड है मांगा में। अगर देखोगे तो शोनेन जंप के जैसे हम लोग का इंडिया में यश राज फिल्म्स कैसा है, यश राज के हर फिल्म हिट है कि नहीं, तो वैसे ही शोनेन जंप में मैंने एक एक्चुअली एनिमे देखा था बाकुमैन बोल के, उसमें मतलब दिखाया गया था कि एक मांगा आर्टिस्ट का जो स्ट्रगल होता है, स्ट्रगल लाइफ होता है, कैसा होता है। शोनेन जंप में किसी मांगा आर्टिस्ट का मतलब स्टोरी सिलेक्ट हो जाना मतलब बहुत ही बड़ा बात है। और शोनेन जंप ऐसे वैसे स्टोरीज पब्लिश नहीं करता। आप नारूटो, आप बड़े बड़े एनिमेस को देख लो ना, ड्रैगन बॉल हो गया, नारूटो हो गया, जो कि एकदम बेस मतलब एवरग्रीन एनिमेस अगर बोलो तो, नारूटो, ड्रैगन बॉल, वन पीस, फिर ब्लीच, ये सब किसके है, ये सब शोनेन जंप के। तो शोनेन जंप का जो मैगजीन आता है उसका नाम आई थिंक शोनेन वीकली बोल के कुछ नाम है, शोनेन वीकली। तो वो मैगजीन 250 से 850 पेजेस का आता है वीकली, 850 पेजेस, जिसमें 20 से 10 सीरीज एक साथ साइमल्टेनियसली चलते हैं, 20 से 10 सीरीज एक साथ, 20 से 10 तरह के स्टोरीज। और तो मुझे तो मांगास बहुत ही पर्सनली पसंद है, बट आप तो जानते ही इंडिया में तो ये सबके कोई भाव है ही नहीं। आप कोई भी बुक स्टोर में जाओ, वहाँ पे अगर आप मांगा बोलोगे तो वो लोग क्या समझ बैठेंगे। तो अब जहाँ मिलते भी है तो बहुत ही महंगे मिलते हैं, मैंने जैसा कहा। तो बहुत ही मतलब टफ है, मतलब एक ओटाकू के लिए इंडिया में रहना, मेरे तरह कुछ नहीं है यहाँ पे। मैंने देखा कि यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे मतलब चैनल खोल रखे, बहुत जन इंडियन लड़के लड़की जो मतलब एनीमे फैंस है, बट इंडिया में उनको मतलब वो अपने मतलब जो दिल का जो बात है वो किसी से कर नहीं पा रहे। और सेम हेयर, अगर कोई मतलब मेरे साथ कोलैबोरेशन भी करना चाहता है तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पास भी कोई दोस्त नहीं है जिससे मैं एनिमेज मांगास के बारे में बात कर सकूँ, जिससे अगर कोई किसी को पता भी चलता है तो वो हंसता है, बोलता है ये कार्टून है। उस पर मैं तो एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, जाके वो देख लो। और आते मुद्दे पे, तो मांगास अगर आप मतलब आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो, ये नहीं कि कोई स्टोर में। मैंने तो ये सब ये जैसे ये वन पीस के सारे मैंने अमेज़ॉन से मंगवाए हैं। अमेज़ॉन में आपको सस्ते भी मिल जाएगा, थोड़े डिस्काउंट अच्छा मिलता है वहाँ पे। मांगास की जो सबसे बड़ी बात होती है वो है कि वो सब देखो, नॉर्मल बुक कैसा होता है, नॉर्मल बुक राइट से लेफ्ट में खुलता है कि नहीं, बट मांगास राइट से लेफ्ट में खुलता है, राइट से लेफ्ट में, बट मांगास उल्टे होते हैं, लेफ्ट से राइट में खुलता है। देखो है, एक्चुअली में इस साइड होना चाहिए बट है इस साइड, ये उल्टा होता है। और ये तो सारे इंग्लिश वर्जन है। तो अब और मांगास जो होते हैं वो ब्लैक एंड वाइट में प्रिंट किए जाते हैं, ब्लैक एंड वाइट, सारे ब्लैक एंड वाइट होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे ब्लैक एंड वाइट है। तो अगर आप मतलब मांगा पढ़ना भी चाहते हो पर आपको मिल नहीं रहे, आप खरीद नहीं पा रहे हो, तो आप एक काम भी कर सकते हो, प्ले स्टोर में बहुत सारे ऑनलाइन मांगा रीडिंग के एप्स है। मैंने जैसे मैं कुछ जैसे हो गया वो मांगा रॉक, फिर जिंग मांगा बॉक्स, ये दो मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली, मुझे पसंद है। ये आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है। अरे अभी जियो भी है आपके पास, ईजीली कोई ज़्यादा कटेगा भी नहीं, आराम से पढ़ सकते हो दिल खोल के। और तो आज का वीडियो बस यहाँ तक ही। और आपके पास अगर कोई क्वेश्चंस है इनके लिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दे वो क्वेश्चन। और कोई एनीमे के बारे में जानना चाहते हो या कोई सजेशंस चाहिए, कौन सा एनीमे देखूँ या ना देखूँ, मांगा कहाँ से खरीदना है, कमेंट बॉक्स में जाके लिख दो, मैं रिप्लाई दे दूंगा। और तो आप अगर एनीमे मांगास में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं। एक ऑलरेडी बना हुआ है वो भी देखो जाके, और ये इसमें भी लाइक, शेयर और कमेंट मारना मत भूलना, और सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर दाबना। सो see you guys in my next video. Bye.